हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, एसिड्स को जानेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या है, एसिड व्हाट इज एसिड, है ना। चलिए लिख लिख के हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे भी, और ये क्लास टेंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके पास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी तक चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और अगर पढ़ लिए तो आपके लिए रिविजन का काम कर जाएगा सिंपल बेसिस पर, ठीक है। चलिए तो हम लोग एसिड पढ़ते हैं, ठीक है। एसिड्स, अब एसिड्स आता है, ये एक्चुअली में बहुत खतरनाक चीज़ है एसिड, है ना। सही में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जला देता है, मतलब दर्द देता है, तकलीफ़ देता है। बट केमिस्ट्री में तो तकलीफ होता ही है थोड़ा बहुत, और हम लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए तो एसिड के बारे में अगर देखते हैं तो एसिड क्या होता है, सौर टेस्ट, ठीक है। सौर टेस्ट का मतलब हो गया क्या, खट्टा स्वाद, खट्टा स्वाद। अगर इसको लिखें तो खट्टा स्वाद लिखते के साथ ही ना मुंह में पानी आ जाता है, खट्टा स्वाद, ठीक है। और तो और अगर इसका एग्जाम्पल्स अगर ले लेते हैं तो गजब लेवल का मुंह में पानी आता है, ठीक है। जैसे इमली, है ना, इमली हो गया, फिर नींबू, है ना, ये सब चीज़ हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया, ये सब। इमली बोले तो टैमरिंड, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में हैं तो जानते ही होंगे, और नींबू बोले तो लेमन, है ना, लेमन, टैमरिन, लेमन, और भी बहुत सारे चीज़ें जिसमें एसिड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग एसिड्स। अभी तो सिर्फ हम लोग एसिड्स को पढ़ रहे हैं, फिर इसका एसिड्स के अंदर भी घुसेंगे कि अलग अलग तरह का एसिड्स है। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि एसिड जो होता है, यानी कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, ठीक है ना, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच हैव सौर टेस्ट, ठीक है। सौर टेस्ट यानी कि जिसका खट्टा स्वाद होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एसिड है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्म हो गया कि हाँ चलो ठीक है, एसिड जो टेस्ट में खट्टा लगे उसको हम लोग एसिड बोल सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एसिड, अब ऐसा नहीं कि एसिड इतना ही है, एसिड में और भी बहुत सारी चीज़ को पढ़ना है। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को पढ़ेंगे कि हाँ कितने तरह के एसिड्स होते हैं, ठीक है। कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड्स वीक होते हैं, उस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए भाई तो आते हैं एसिड्स का क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन में देखें तो पहला सिंग इधर, दूसरा सिंग इधर। पहला सिंग में क्या आएगा, ऑर्गेनिक एसिड, है ना, ऑर्गेनिक, ठीक है। और दूसरा सिंग में आ जाता है क्या भाई, मिनरल एसिड, है ना। आप लोग भी लिखते चले जाओ तो आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा स्लो लगे तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, 1.25 में देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है भाई, प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सिंपल, प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। और यहाँ ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स इन लेबोरेटरी, ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, है ना, मिनरल्स से ये प्रिपेयर्ड होते हैं, कहाँ भाई, इन लैब्स, लैब्स में बनते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अगर कुछ एग्जांपल्स को देखा जाए तो क्या हो सकता है, कुछ कुछ एग्जांपल्स ऑर्गेनिक एसिड्स में, जैसे एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ, एसिटिक एसिड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विनेगर खाते हैं ना, खट्टा डाल के चाउमीन में, बाजार वगैरह में जो बनता है उसमें विनेगर यूज़ होता है, चाहे दूध को फाड़ने में, पनीर बनाने के लिए, है ना। सिट्रिक एसिड तो बहुत ही कॉमन चीज़ हो गया, नींबू में, अलग जितना भी सिट्रस फ्रूट है, आंवला में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, हाँ, लेमन हो गया, अदर सिट्रस फ्रूट्स हो गया, ये सब में हम लोग को मिल जाता है। लैक्टिक एसिड हो गया, जैसे सौर मिल्क, खट्टा दूध जो हो जाता है, फिर दही हो गया, ठीक है, सौर मिल्क हो गया,
और भी बहुत सारा चीज़ है, तो एक्स्ट्रा हम यहाँ पर लिख देते हैं, सॉर मिल्क हो गया ये सब। ओके, अब आते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल में क्या क्या है भाई? तो इसके एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है ना। अब ये तो जितना है सो है ही, इसका जो बाप जो है ना वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये तो मतलब कोई रहम ही नहीं करता है, सीधा जला देता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग एसिड, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड। इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड, एसिडों का राजा है ये, किसी को नहीं देखता है, ठीक है। फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड तो इसमें भी बहुत सारा एसिड्स है, ठीक है। बट एग्जांपल्स में हम लोग कुछ कुछ देख लिए कि ये सब चीज़ है। तो एसिड्स को हम लोग किस में क्लासीफाई किए? ऑर्गेनिक एसिड्स में और मिनरल एसिड्स में। अगर हम लोग को पहचानना रहे, ठीक है ना, अगर आइडेंटिफाई करना रहे, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, तो हम लोग एसिड्स को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो एसिड्स को पहचानने के लिए नॉर्मली तीन चीज़ का यूज़ किया जाता है। पहला जो है, पहला चीज़ जो है वो है लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर। दूसरा जो है वो है हमारा मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा जो है वो है फिनोल्फेथिलीन, ठीक है ना, ये तो आप लोग को पता ही होगा, फिनोल्फेथिलीन, ये चीज़ हो गया। अब ये तीनों का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरिया कहने का मतलब ये तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है चलिए देख लेते हैं। तो लिटमस पेपर जो रिएक्ट करता है ना वो क्या होता है, अगर एसिड्स में ये सब किस चीज़ के लिए? फॉर एसिड्स, ठीक है, फॉर एसिड्स, एसिड्स का टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है, एसिड टेस्टिंग हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें आप कुछ और समझ लीजिए, फॉर एसिड टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ना वो रेड बन जाता है। वो क्या बन जाता है? ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाता है। उसके बाद जो मिथाइल ऑरेंज है ना, जो मिथाइल ऑरेंज है, आराम से शांति से पढ़ेंगे ना तो ही अच्छा लगता है पढ़ने में। मिथाइल ऑरेंज है ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्या चीज़ में हो जाता है? ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। और फिनोल्फेथिलीन जो है, देखिएगा स्पेलिंग वगैरह थोड़ा आप अपना हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, फिनोल्फेथिलीन जो है वो कलरलेस रहता है, कलरलेस यानी कि कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग लिटमस पेपर लाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिड डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और अगर फिनोल्फेथिलीन में डालते हैं तो ये कलरलेस रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन हो गया किसका? एसिड्स का, कि एसिड्स को हम ऐसे ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैब में, चाहे अगर घर में भी लिटमस पेपर तो हम लोग मार्केट से खरीद ही सकते हैं, ऐसे मार्केट से तो सब चीज़ खरीद सकते हैं, बट फॉर सिंपल पर्पस के लिए तो ले ही सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब थोड़ा आते हैं एसिड्स के पावर के बेसिस पर, ठीक है, एसिड्स बट ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है ना, पावर, शक्तिमान पढ़ देखे ना, पढ़ने बोलते हैं शक्तिमान, शक्तिमान से बहुत ही अच्छे अच्छे कहानी जुड़े हुए, पावर, ठीक है ना, पावर ऐसे से करके बोलता है। चलिए तो अब एसिड्स में एक सिंग इधर बना देते हैं और एक सिंग इधर बना देते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना भी मिनरल एसिड होता है ना वो सारा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ एक्सेप्शन है देख लेंगे का एक्सेप्शन, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है वो मिनरल एसिड होता है, और जितना भी वीक एसिड्स होता है ना वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स होता है, वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड। यही वजह है कि ऑर्गेनिक एसिड जो वीक एसिड जो होता है ना तो ऑर्गेनिकली फॉर्म में हम लोग यूज्ड फॉर फूड यानी कि खाने पीने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, यूज्ड फॉर फूड इंग्रेडिएंट, ठीक है, इंग्रेडिएंट यूज करते हैं ना हम लोग, कुछ भी बनाते हैं घर में, पनीर फाड़ना है, चाहे कुछ में खट्टा देना है, पिकल्स बनाना, ये सब चीज़। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है भाई, विनेगर,
विनेगर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। फिर एक और चीज़ यूज होता है टार्टरिक एसिड को बेकिंग पाउडर बनाने में, टार्टरिक एसिड, ठीक है। इसका यूज़ कितना किस में होता है, यूज्ड एज बेकिंग पाउडर। तो ये सब भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, बेकिंग पाउडर। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या होता है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है, वेरी हार्मफुल, ठीक है, वेरी हार्मफुल। और हार्मफुल किसके लिए भाई, तो अगर ह्यूमंस यूज़ कर रहा है, फॉर ह्यूमन स्किन तो जल ही जाता है, फिर ह्यूमन स्किन, स्किन क्या होता है इसमें पूरा का पूरा बर्न हो जाता है, वेरी डेंजरस, ठीक है, वेरी डेंजरस। और बर्निंग इफेक्ट रखता है, और ये बर्निंग इफेक्ट देता है, बहुत ही जलन होता है, ठीक है, बर्निंग इफेक्ट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बर्निंग इफेक्ट देता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग क्या देखें भाई, कि ये मिनरल एसिड जितना भी है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में एग्जांपल्स में तो ऑलरेडी हम बहुत सारा एसिड्स में लिखे हैं, मिनरल एसिड्स में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, किंग ऑफ एसिड जिसको बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम वीक एसिड में भी ऑर्गेनिक एसिड का बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, जैसे विनेगर हो गया, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, ये सब टैमरिंड में हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ टार्टरिक एसिड। चलिए, ये तो हो गया। अब अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में बात करें तो क्या होता है, अब देखिए दो तरीके का एसिड होता है, मतलब एक फॉर्म, फिजिकल फॉर्म देखा जाए तो उसको हम लोग दो तरीके के फॉर्म में बोल सकते हैं। एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, और एक होता है हमारा डाइल्यूट एसिड। क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। ये दोनों में अंतर क्या है ये समझेंगे, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ना इसमें मिक्स होता है, यानी कि वाटर बहुत कम होता है, ठीक है ना, यानी कि लिख सकते हैं मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम यानी कि मिनिमल एकदम होता है, सबसे बहुत कम, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें एसिड ज़्यादा होता है, पानी कम होता है, यानी कि अगर दिखाया जाए डायग्रामेटिकली, अगर थोड़ा सा दिखाना जाए तो एसिड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसमें जो पानी की जो मात्रा होती है ना बहुत कम होता है, ये वाटर हो गया। तो एसिड ज़्यादा है, वाटर कम है, ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी बहुत कम है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ लेस वाटर, बिकॉज ऑफ लेस वाटर, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक। अगर हम डाइल्यूट एसिड का बात करते हैं तो ये हो जाता है, इट कंटेन मच मोर वाटर, इट कंटेन मच मोर वाटर, मच मोर वाटर, ठीक है, इट कंटेन मच मोर वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिला होता है। अगर इसको ऐसे ही देख लेते फोटो के फॉर्म में, तो यहाँ हो गया वाटर इतना ज़्यादा, और एसिड हो गया कम, ठीक है, एसिड कम होता है, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, देखिए कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स में तो हम लोग को पता चल गया कि कॉन्सेंट्रेटेड में पानी बहुत कम होता है, डाइल्यूट में पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये क्या हो जाता है, डाइल्यूट क्या हो गया, ये वीक एसिड हो जाता है, क्या हो जाता है, वीक एसिड हो जाता है, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड में अगर परसेंटेज देखा जाए एक तरीके से, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 90% मेरा एसिड है और 10% वाटर है, ठीक है। बट अगर डाइल्यूट में देखा जाए तो 10% वाटर है, 10% एसिड है और 90% वाटर है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पानी, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ एसिड होता है और यहाँ बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत जानना जरूरी हो जाता है एसिड से रिलेटेड। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, अगर क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है, चाहे फोटोज़ वगैरह में देखिएगा, ठीक है, कि एसिड को वाटर में मिलाया जाता है या वाटर को एसिड में मिलाया जाता है डाइल्यूट करने का, यानी कि फॉर डाइल्यूटिंग, ठीक है ना, फॉर डाइल्यूटिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो
तो डाइल्यूट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, ऑलवेज एड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर, ठीक है ना, ऑलवेज एड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर, ठीक है, ऑलवेज एड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर. क्यों ऐसा? बिकॉज ऐसा क्यों क्यों किया जाता है कि हमेशा एसिड को ही पानी में क्यों मिलाया जाता है, पानी को एसिड में क्यों नहीं मिलाया जाता है. अब देखिए, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, और अगर इसको पानी में मिलाया जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ या वाटर है, इसको इसमें मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो जब मिलाया जाता है ना तो हीट इवॉल्व होता है. क्या होता है? हीट इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होगा, और ये हीट को है ना, ये पानी जो है ना ज़्यादा मात्रा में ईजिली अब्जॉर्व कर लेता है. हीट इवॉल्व एंड हीट ईजिली अब्जॉर्ब्ड, हीट ईजिली अब्जॉर्ब्ड, अब्जॉर्ब्ड बाई लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके वजह से कोई भी खतरा नहीं होता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है. बट अगर ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, अगर ऐसा नहीं करते हैं और अगर वाटर को एसिड में मिलाते हैं, ठीक है ना, अगर वाटर को एसिड में मिलाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डाइल्यूटिंग प्रोसेस करना है तो ऑलवेज एड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर, नॉट नॉट एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. अब इसका भी कारण है, बिकॉज क्यों भाई, इसका क्या कारण है, क्यों नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं करना चाहिए? तो अगर हम लोग वाटर को हम लोग एसिड में मिलाते हैं, वाटर को एसिड में मिलाते हैं, ठीक है, तो एसिड तो ज़्यादा मात्रा में, अगर वाटर को मिलाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ना, वो मिलाते के टाइम हीट इवॉल्व तो होगा ही भाई, हीट तो इवॉल्व होगा, ये तो तय है, हीट इवॉल्व होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रोसेस जो होता है ना वो एक्सोथर्मिक होता है. कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक, दोनों में प्रोसेस रिलीज, हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस याद रखिएगा, ठीक है. तो हीट इवॉल्व हुआ, एंड अब इसके वजह से क्या होता है ना, पूरा का पूरा जो वाटर जो मिला रहे हैं ना, वाटर चेंज्ड इंटू वाटर वेपर. क्या चीज हो जाता है? वाटर वेपर, वेपर में मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जिसके वजह से वाटर वेपर और स्टीम बोल सकते हैं, और स्टीम विच स्प्लैश एसिड, जो एसिड को स्प्लैश करता है, विच स्प्लैश एसिड, ठीक है ना, एसिड को स्प्लैश करता है, और इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से क्या होगा, बर्निंग हो जाएगा, हाथ जल जाएगा, कपड़ा जल जाएगा, फेस पर स्प्लैश हो गया तो परेशानी है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग को डाइल्यूट बनाना है, डाइल्यूटिंग प्रोसेस करना है, डाइल्यूट करना है एसिड को, तो हम लोग एसिड को हम लोग वाटर में डालेंगे. ये तरीका सही है, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये तरीका हम लोग अपना नहीं सकते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा. तो ये हो गया, हम लोग एसिड के बारे में पढ़ लिए कि क्या था एसिड, कैसा होता है, डेफिनेशन देख लीजिए, फिर स्ट्रॉन्ग, वीक, ठीक है, मिनरल, ऑर्गेनिक, ये सब चीज़ देख लीजिए, और एक प्रोसेस देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है. तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खूब मुस्कुराते रहिए, एकदम बिंदास रहिए, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.